वेलकम टू न्यू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके अक्सर 23 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि द फोकस ऑफ एट पॉइंट -2, -1, यानी जो फोकस पॉइंट है उसको मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूं, -2, -1। ठीक है, द लेटेस्ट रेक्टम ज्वाइन द पॉइंट ऑफ, यानी जो लेटेस्ट रेक्टम वो दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। ठीक है ना, दो पॉइंट को अपन ज्वाइन करवा दें तो -2, 2 एंड -2, -4, और आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। तो देखो ग्राफ की मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये तो लाइन आपकी वाई एक्सिस और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं पैराबोला के एक्सिस की बात करूं, तो पैराबोला का एक्सिस ये रहा, यानी एक्सिस नहीं सॉरी फोकस पॉइंट, तो ये टू और ये वन ले लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है ना, यहां पे आपका पॉइंट हो गया ये पॉइंट क्या है एफ, इसकी वैल्यू कितनी है -2, -1। ठीक है, ये समझ रहे होंगे, ये फोकस पॉइंट है। और अगले ने बोला है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो -2, 2 और -2, -4 पे है। तो देखो -2 लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हो कि जो फोकस पॉइंट से अपन लाइन को पास करवाएं, ठीक है ना, देखो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट आपको गिवन है, यहां पे कौन सा पॉइंट है ये आपका -2, 2, और यहां पे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, ये पॉइंट आपका -2, -4 है। ठीक है, यहां से इन दोनों पॉइंट से एक पैराबोला पासिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस टाइप से एक पैराबोला मिल रहा है आपको। लेटेस्ट रेक्टम की ये वाली लेंथ, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम हमेशा फोकस पॉइंट से ही पास करती है, ठीक है, और इक्वेशन अपन जानते हैं, ठीक है ना, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन पॉइंट पे, यानी जिसका सेंटर नहीं सॉरी जिस पैराबोला का एक्सिस आपका ओरिजिन पॉइंट पे नहीं है, ये आपका क्या है वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है ना, पैराबोला ऑफ वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है α, β। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है उसके लिए अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला उसकी इक्वेशन क्या होती है y-β का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a A ले लो, ठीक है, बात तो एक ही है, वैसे 4a ले लो, चलो कैपिटल A ले लो या 4a ले लेता हूं, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है, चलिए देखो कॉन्स्टेंट ही आना है, और ये वैल्यू होगी x-α। ये जो 4a है वही क्या आपकी लेटेस्ट रेक्टम है। अब आपको इस लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू फाइंड आउट कर लें अपन, तो सारी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन चीजों को अपन फाइंड आउट करें, तो ध्यान से देखो, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं 4a फाइंड आउट करूं, तो 4a किसकी वैल्यू है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो लेंथ ऑफ या डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ए बी किसकी इक्वल है 4a की इक्वल है। ठीक है ना, तो ab की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x1-x2 यानी x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 4a। वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी -2, -2, तो -2 -2 है तो +2 आ जाएगा,
इस पूरे का और इस पर, टू टू माइनस माइनस फोर तो प्लस फोर हो जाएगा इसका, इक्वल टू में कितना फोर ए। ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो पूरा कंप्लीट जीरो, और जीरो प्लस ये सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना फोर है। इसी को मैं सोल्व करूं तो जीरो प्लस सिक्स, ठीक है ना, लिख सकता हूं इसको मैं सिक्स इक्वल टू फोर ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई, यानी यहां से फोर ए की वैल्यू तो कितनी हो गई सिक्स हो गई, फोर ए की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स हो गई। और यहां से मैं बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सिक्स अपॉन में फोर, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ए की वैल्यू हो गई थ्री अपॉन में टू, ये ए की वैल्यू हो गई, ये आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो पैराबोला है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रहा है, तो दो पॉइंट से पास करेंगे इस पैराबोला को तो आपकी जो इक्वेशन है वो दो फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको, तो इसको आप प्लस और इसको आप माइनस ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पैराबोला वो टू पॉइंट से क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो अपन फाइंड आउट कर ली, यानी इस फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई, फोर ए की वैल्यू आ गई सिक्स। इस सिक्स को मैं यहां पे पुट करूं, इस सिक्स को मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी जो इक्वेशन है वो देखो क्या मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा, आप इतना नोट डाउन करो, इस पूरे की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस एल्फा, ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ गई। अब इसी पैराबोला की जो इक्वेशन ये बनी हुई है इसको आप इस पॉइंट से पास करवा दो, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना, आप लिख देना कंप्लीट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए माइनस टू कॉमा टू, ठीक है। ये पॉइंट मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस टू माइनस का, ठीक है ना, ये आपका वाई की वैल्यू टू आएगी, ये टू माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स इंटू माइनस टू माइनस एल्फा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी थर्ड। उसके बाद में सेम ही पासिंग थ्रू द अनदर जो पॉइंट आपका वो बी ले लीजिए आप, तो ये वैल्यू हो गई माइनस टू कॉमा माइनस का फोर। ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी इक्वेशन मिलेगी वाई की वैल्यू कितनी यहां पे माइनस फोर, तो माइनस फोर माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी आपकी माइनस टू है, तो ये माइनस टू माइनस का एल्फा, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड फोर्थ ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यदि मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दूं, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बीटा और अल्फा की, तो इक्वेशन नंबर से थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करूं तो टू माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस फोर माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसको मैं इससे डिवाइड करूं, देखो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड होगी तो वन हो गया, और इसी को मैं लिख सकता हूं टू माइनस, इसको ओपन करो, चलो एक बार लिख दीजिए आप, टू माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं यहां से कि फोर इसका स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा इक्वल टू सिक्सटीन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का एट बीटा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, ये सिक्सटीन इधर आएगा तो फोर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 8 बीटा प्लस में 4 बीटा, 8 बीटा प्लस 4 बीटा कितना 12 बीटा इक्वल टू माइनस का 12, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। इस माइनस 1 को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड में पुट कर दो, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट बीटा इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन थर्ड में, तो आपकी इक्वेशन यहां से क्या मिलेगी आपको वो देखिए, टू माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस वन, तो प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स इंटू
माइनस टू माइनस अल्फा, ये वैल्यू हो गया 9 और ये 6 इधर आएगा तो अपॉन में 6 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू माइनस अल्फा। यहां से मैं वैल्यू लिख सकता हूं 3/2, 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस टू माइनस अल्फा, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक तो पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो केस फर्स्ट, ठीक है, इतना एक बार आप नोट डाउन करो। केस में फर्स्ट की बात करो तो देखो, केस फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, इसको भी आप करना है आपको। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप केस फर्स्ट ले लीजिए। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो आप पॉजिटिव साइन लो, इसका मैं पॉजिटिव साइन लू तो 3/2 इक्वल टू माइनस टू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा इधर आएगा तो प्लस का अल्फा इक्वल टू माइनस टू माइनस 3/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, माइनस का 7/2, ये अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो बीटा की वैल्यू तो अभी अपने पास में आई भी है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। इस वैल्यू और इस वैल्यू को यहां पे लिख देता हूं, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। इस पूरी वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ना लो तो आप सेकंड ले लो, ठीक है ना। जो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन दी आपकी वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये कितनी 6, एक्स माइनस अल्फा, ये वैल्यू थी आपकी, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन आई थी तो प्लस वाले में पुट कर दो इसकी, तो प्लस वाले में वैल्यू पुट करूं तो वाई माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस 2 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्लस पॉजिटिव साइन लिया तो इसका भी आपको पॉजिटिव लेना है, तो 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस 7/2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं ओपन करूं तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 6 प्लस में, ये कितना आ जाएगा आपको, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये 21, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 6x और ये इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी पैराबोला की ये मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन को देखो आप, केस फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं अपन। केस सेकंड में आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, नेगेटिव साइन ले अपन तो आपकी जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहां से देखो 3/2 इक्वल टू माइनस माइनस 2 माइनस अल्फा, इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 3/2, तो अल्फा इक्वल टू 3/2, 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 1 है, इसमें पुट कर दो नेगेटिव वाले साइन में तो वाई माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर और नेगेटिव 6 इंटू एक्स माइनस 1/2, माइनस तो 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 6x और माइनस का 3, ये लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6x और ये वैल्यू इधर आएगी तो 4 इक्वल टू 0। ये दो केस के अंदर आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। कब मिली है, जब पैराबोला का 2 पॉइंट से पास कर रहा है तब, ठीक है, चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे भी मिस्टेक कर दी क्या, ये प्लस, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6x माइनस 20, वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सेम क्वेश्चन है लेकिन जो पैराबोला पासिंग हो रहा है वो ओनली सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन अपन प्लस माइनस ना लेके ओनली ये लेंगे, ठीक है, यानी प्लस सी लेंगे ओनली। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको गिवन है उसमें ये गिवन है कि जो लेटस रेक्टम है, लेटस सॉरी द वर्टेक्स एट, वर्टेक्स पॉइंट आपका पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट, देखो ये लीजिए ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, द वर्टेक्स एट -2, -3 यहां पे आपका वर्टेक्स पॉइंट है -2, -3 ये लीजिए, एंड द फोकस पॉइंट 1, 3 एंड द फोकस पॉइंट 1, 3 तो ये 1, 3 यहां पे आपका फोकस पॉइंट है, ये लीजिए 1, 3 ठीक है। और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये फोकस पॉइंट आपका और ये वर्टेक्स पॉइंट V है। अब देखो अपन पैराबोला फाइंड आउट करें, तो ये जो पैराबोला है इसका ये वर्टेक्स पॉइंट है और फोकस पॉइंट आपका ये है, तो ऐसे में बना देता हूं, देखो ये लीजिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। और ये आप जानते हो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, जो किसके पैरेलल है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस वर्टेक्स पॉइंट से लेके ये वाली डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, ए की इक्वल होती है, आप जानते ही हो ठीक है। नहीं जानते हो देख लीजिए कि मैं ये बनाऊं, तो ये जो आपका फोकस पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 1, 0 ये वर्टेक्स पॉइंट, तो यहां से यहां तक की लेंथ कौन सी होती है, जो फोकस पॉइंट के अंदर एक्स एक्सिस का यानी जो ये ए होता है वही आपका इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसको रब कर देता हूं, ये काम का नहीं है। चलिए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पे एक ही पॉइंट आपको वर्टेक्स पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट यही होगा आपका, तो मैं इसको ओनली प्लस ले लेता हूं ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर देते हैं उसमें ये जो पॉइंट आपका होगा वर्टेक्स पॉइंट, इसको मैंने अल्फा और बीटा लिया था ठीक है ना, जब डेरिवेशन अपन कर रहे थे। अब उस केस के अंदर यानी कब, जब आपका वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन ना होके कोई अदर पॉइंट हो, तब अल्फा और बीटा जिसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी यहां पे -2 है और बीटा की वैल्यू यहां पे कितनी आपकी 3 है, इन दोनों वैल्यू को तो वहां पे पुट कर दीजिए ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं कि इस ए की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर लूं, तो देखो वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू ये कितनी है, यहां तक ये 1 है ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 1 तो ये तो 1 हो गया, और यहां तक ये वाली लेंथ कितनी है, -2 वाला केस है तो 2 हो गया, तो ये टोटल लेंथ ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2+1 हो गई है ना, डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए क्योंकि -2 है ना, तो ये -2 यहां पे है, लेंथ तो आपकी 2 ही है ठीक है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इस ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू यहां पे आप पुट कर दो, तो y माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, बीटा ये 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3, और फिर x माइनस अल्फा की वैल्यू -2 तो +2 आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर दीजिए तो y का स्क्वायर +9 और माइनस का 6y इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस में 2 ये वैल्यू आ गई ठीक है, इसको आप अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 12x प्लस में 24, इसी को मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर -6y माइनस का 12x, ये वैल्यू भी इधर आएगी तो +9 माइनस का 24 इक्वल टू 0, इसी को मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर -6y -12x और 9 -24 आप करोगे तो माइनस का 15 इक्वल टू कितना 0, ये आपकी इस पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी आपको ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 8 वाई स्क्वायर -6y -12x -15 इक्वल टू 0 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर आपका 9 9th में आपको गिवन है कि द वर्टेक्स एट 0, 0 यानी जो पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट है वो कहां पे है, ओरिजिन पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब फोकस पॉइंट को देखो कहां पे है, फोकस पॉइंट आपका 0, 1 है, तो 0, 1
0.1 यहां पे होगा, ये पॉइंट आपका 0.1 फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट इधर है तो ऊपर की तरफ आपका पैराबोला बन जाएगा, ये लो इस टाइप का। ये कौन सा पैराबोला आपका? अपवर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी, ठीक है। और ये वर्टेक्स पॉइंट आपका, अब देखो ध्यान से, यदि मैं यहां से a की वैल्यू, ये तो है ना एक, तो ये a, इस a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, इस a की वैल्यू 1 में यहां पे पुट कर दूं फॉर्मूले में तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से ये 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 1 × y, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4y हो गई। ये आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि द वर्टेक्स एट द 0.a, कि आपका पैराबोला है उसका वर्टेक्स आपका कितना है? 0.a। तो ये पॉइंट आपका यहां पे होगा वाई एक्सिस पे, क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है और फिर ओरिजिन, इसका जो फोकस पॉइंट है वो कहां पे? ओरिजिन पे है, ठीक है ना। तो फोकस पॉइंट यहां पे, वर्टेक्स पॉइंट ये, तो आपका पैराबोला इस टाइप से मिलेगा आपको। और कौन सा पैराबोला मिलेगा आपका? ये डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। अब देखो इसकी इक्वेशन जानते हैं अपन, कि मान लीजिए कोई डाउनवर्ड पैराबोला आपको मिल रहा है, इसकी इक्वेशन अपन ये जानते हैं, मैं बना देता हूं एक बार ये। तो इस टाइप की जो पैराबोला उसकी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? ये एफ पॉइंट है, क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। लेकिन इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? एक्स माइनस, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर -4 × 4a, 4a × y − β। ये लीजिए वैल्यू, आप पुट कर दीजिए, वैल्यू में पुट करो तो एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर -4 × y − β की वैल्यू a, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 − 4 और ये y − a, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a − a हो जाएगा आपका a − y। ये आपकी इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर आपका 10th, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10th तक। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।